हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना पीजी रूम टूर देने वाली हूँ। तो यस, जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पीजी ढूंढ रहे हो, तो आप इस पीजी को देख के, रूम को देख के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि आपको कैसे पीजी मिल रहे होंगे एंड क्या क्या कॉलेज एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपको ले आनी है अपने साथ में। तो स्टार्ट करते हैं मेरे रूम से। तो ये है मेरा जो बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा आपको नहीं पता लगता। जिस भी पीजी में तुम पीजी ढूंढ रहे हो, वहाँ पे ये देख लेना कि स्टडी टेबल हो। स्टडी टेबल चेयर तो मस्त चीज़ है, मतलब पढ़ाई कैसे करोगे तुम। तो ये हमारा रूम है, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी रूम है, 3 बेड्स थे, हमने इसको साथ में ही लगा दिया जिससे रूम थोड़ा स्पेशियस दिखे। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे 3 कबर्ड दिए हुए हैं, काफ़ी बड़े स्पेशियस कबर्ड हैं। तो सबसे पहले ये पोर्शन मेरे रूममेट का है, तो स्टडी टेबल चेयर मैंडेटरी चीज़ है, बाकी अपने बुक्स कॉपी तुम खुद ले आओगे, बेड शीट ले आना प्लस पिलो, ये सारी चीज़ें यहाँ से भी ले सकते हो। ये मेरा पोर्शन है, तो या ये मैंने बैकग्राउंड खुद बनाया है, तो आप कर सकते हो। वैसे कभी किसी पीजी में अलाउड नहीं होता स्टिकर्स वगैरह लगाना। सो बाकी चीज़ें आप यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टडी टेबल चेयर तो आपको दिया होगा, प्लस अपने एसेसरीज ले आना, पेन स्टैंड हो गया, पेन वगैरह यहाँ से भी ले सकते हो, बाकी अपने चार्जर वगैरह रख लेना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई, ये एक्सटेंशन ज़रूर ले आना, ज़रूरी नहीं है। मेरा तो मतलब ठीक है कि बेड के बगल में ही था पावर पॉइंट, बट स्टिल तुम्हें लैपटॉप का चार्जर लगाना है, फ़ोन का चार्जर लगाना है, टैब का, तो एक एक्सटेंशन ज़रूर से रख लेना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी जिस भी पीजी में। और ये तो मेरा बेड के बगल में है तो इशू नहीं है, बट अगर दूर होता तो फिर प्रॉब्लम होती। अब काफ़ी पीजी में क्या होता है, हमारे पुराने पीजी में स्टडी टेबल नहीं थी, मैंने ये लिया था बेड वाली टेबल जो हम पढ़ते हैं जिस पे, बाकी आपके बेसिक नीड ब्रश टूथपेस्ट ये सब कुछ ले आना, ये ट्राइपॉड तो मेरे हैं, तुम्हारे तो ज़रूरत नहीं है। अब देखो, कुछ पीजी में प्लेट्स दिए होते हैं जहाँ पे फूड होता है, तो प्लेट्स, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लेट्स तुम घर से भी ले आना, मैं तो ले आई थी, बाकी ये पीजी की प्लेट्स हैं। वैसे एक चेयर होती है यहाँ पे, पता नहीं तुम्हारे पीजी में मिलेगा नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे हम सारे फालतू कपड़े अपने डाल देते हैं, ये मेरे रूममेट का पोर्शन हो जाएगा। प्लस बैग वगैरह रख लेना अपने, कॉलेज बैग्स देखो दो, एक तो टोट बैग काफ़ी फेमस है, अगर लड़कियाँ हो तुम तो ये टोट बैग ले आना, और स्कूल बैग तो है ही हमारा। अब देखो कबर्ड का मैं दिखाती हूँ, कबर्ड में मुझे काफ़ी स्पेशियस कबर्ड दिया हुआ है। सो ये है मेरी कबर्ड, एंड कबर्ड में अब क्या चीज़ें तुम्हें ले आनी है, देखो पहले तो क्लोथिंग वगैरह अपने रख लेना, जितने भी क्लोथ्स हैं, ये मेरे घर वाले हैं, ये कॉलेज के हैं, इतने भी कपड़े नहीं हैं मेरे पास नॉर्मल। अब तुम्हारी बुक्स, ठीक है, अभी तुम फर्स्ट ईयर्स में हो तो इतनी बुक्स तो नहीं होंगी तुम्हारे पास, बट कैलकुलेटर, अगर तुम साइंस स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री के एग्जाम में कैलकुलेटर ज़रूरत होती है, तो कैलकुलेटर रख सकते हो, थोड़ी बहुत कॉपीज़ वगैरह बुक्स वगैरह ले आना, बाकी तुम यहाँ दिल्ली से भी ले सकते हो, मतलब इतनी बैग भारी करने की ज़रूरत नहीं है। अपना डॉक्यूमेंट ज़रूर रखना, ठीक है, ये मेरा डॉक्यूमेंट वाला फाइल है, एक ऐसी फ़ाइल ले लेना और उसमें अपने डॉक्यूमेंट सारे रख के ले आना। प्लस छोटी मोटी चीज़ें जो आपकी स्टेशनरी के होते हैं वो आप यहाँ से भी ले सकते हो, जैसे आपका टेप हो गया, सीजर्स हो गई, ये सारी चीज़ें, और मेरा ये चार्जर वगैरह यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो ये ठीक है, पंच फाइल पंच करने वाला भी ले लेना, काफ़ी सारी फाइल्स बनानी पड़ेंगी तुम्हें और उसको पंच करने के लिए तुम्हें ये चाहिए ही। और ये बाकी मेरी स्टेशनरी हो गई। नीचे मेरे शूज़ रखे हुए हैं, तो कॉलेज के लिए एक शू, फॉर्मल शूज, सैंडल्स एंड स्लीपर्स, ये बाकी ये मेरा लैब कोट है इधर, एंड ये मेरे कॉस्मेटिक्स, मतलब इतना तो मैं यूज़ भी नहीं करती, ऑयल्स वगैरह नेसेसरी ऑयल्स रख लेना, वाइप्स हैं, झुमके रखे हैं, स्मार्ट वॉच एंड थोड़े से क्रीम पाउडर जो होते हैं आपके वो रख लेना, बाकी आपको ज़्यादा बेटर होगा। इधर मेरी बेडशीट वगैरह रखी हुई है। अब ऊपर मेरे खाने पीने के सामान रखे हैं, कि मैंने ब्लेंडर लिया हुआ था, ब्लेंडर काफ़ी सही होता है, आपको शेक वगैरह बनाना है तो आप बना सकते हो, तो आप ले सकते हो ये भी। और एक मैंने सॉल्ट रखा है, मैगी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई, हॉस्टल में जा रहे हो, पीजी में जा रहे हो और मैगी ना हो, लाइफ सेवियर होती है मैगी, रात में 3 बजे भूख लगती है और बनाने पड़ते हैं। बाकी मेरे पीछे वहाँ पे मैंने एक पैन ले आई थी मैं, तो वो देख सकते हो, अभी इतना मैंडेटरी नहीं है। तो ये पूरी मेरी कबर्ड है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, मतलब इतनी बड़ी कबर्ड तो मैं घर में भी नहीं यूज़ करती थी जितनी मैं यहाँ पीजी में कर रही हूँ, हर पीजी में नहीं मिलता, मेरे पिछले वाले पीजी में इतनी बड़ी कबर्ड, इतनी स्पेशियस कबर्ड नहीं दिया था हमें, बट ये काफ़ी सही है, मेरे तो काफ़ी सारे अभी काफ़ी सामान आ जाएंगे इसमें और भी, तो ये खाली पड़ा है। बेड में भी स्पेस है, तो बेड के अंदर भी काफ़ी सामान है मेरे, तो आपको भी ऐसे बेड वाला ऐसा ही पीजी देखना जिसके बेड के अंदर स्पेस हो, प्लस आपको एक अलमीरा अच्छी सी मिल रही हो, क्योंकि आपका ही सारा सामान आना है, और लॉक होती हो भाई, देखो लॉक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में रह रहे हो, तो मैं नहीं पता तुम्हारे रूममेट्स कैसे मिलेंगे, तो लॉक ले आना, एक अपना एक्स्ट्रा लॉक रख लेना, बाकी ये भी लॉक होती हो ऐसी अलमीरा देखना। फिर यहाँ पे मिरर है, और हाँ वन थिंग, आप ना थोड़ा ब्लैंकेट वगैरह थोड़े या फिर बेडशीट रख लेना, बिकॉज देखो हमारे रूम में एसी है, मोस्ट प्रॉली तुम भी एसी वाला रूम अगर ले रहे होगे तो कभी कभी होता है कि जुकाम हो जाता है या कुछ भी है, तो हाँ एक होना चाहिए तुम्हारे पास, राइट। अब यहाँ पे हमारा मिरर है,
बाकी यहाँ पे भी ड्रॉज वगैरह दिए हैं, इसमें भी ड्रॉज भी चाहिए, खुद की दिखाती हूँ। सो यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमने रखी हैं, कॉम हो गया, बाकी ये सारी डेली एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपकी होंगी और मतलब सही रहेगा, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। सो या दैट्स इट, आई गेस कि ये इतना काफ़ी है। सारी चीज़ें मैंने दिखाई दी आपको, अलमीरा वाली चीज़ें दिखा दी, बाकी बैग्स वगैरह एक्स्ट्रा जो आएंगे, ब्लैंकेट्स वगैरह अभी तो ज़रूरत नहीं है, बाद में ले आना तुम, तो यहाँ से भी ले सकते हो। देखो ट्राई करना ना, पहले मैं आपको रूम दिखाती हूँ फिर मैं बताऊँगी, एक मिनट। यस, तो ये पूरा स्पेस है रूम का। रूम देखते टाइम मेक श्योर प्रॉपर वेंटिलेशन, मतलब सफोकेशन ना हो रही हो रूम में, क्योंकि तुम्हें ही रहना है। तो हमें तो यहाँ पे बाहर एक बालकनी दी है, बहुत अच्छी सी बालकनी है ये, यहाँ पे एक वॉशरूम है। तो हम यहाँ पे बाहर कितनी ग्रीनरी हो रही है, काफ़ी अच्छा सा लगता है यहाँ से बाहर देखने में। एक कूलर दिया हुआ है हमें, इनकेस हमें यूज़ नहीं करना है, तो यहाँ पे कूलर भी है बट हमने यूज़ नहीं किया है उसे अभी तक। तो दैट्स इट, ये है मेरा पूरा रूम जो आपको कैमरे के पीछे से नहीं दिखता है, एंड इसमें ही अभी तो मैं रह रही हूँ। ये मेरा सेकेंड रूम है, पहले मैंने एक पीजी चेंज किया है उसके बाद, एंड ये काफ़ी अच्छा है, खाना वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी सही मिलता है। मैं आपको किचन दिखाती हूँ। अब रूम से बाहर निकल के ये कॉमन स्पेस आता है, ये हमारा किचन है जहाँ पे खाना आता है बेसिकली। ऊपर के फ्लोर पे बनता है एंड हर फ्लोर पे किचन है, तो यहाँ पे रखा होता है। ये कॉमन स्पेस है जहाँ पे वॉशरूम है और बाकी सारे रूम्स हैं। प्लस हमें यहाँ पे आयरन एंड हेयर ड्रायर भी दिया है भैया ने, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। एंड वॉशरूम भी काफ़ी सही है, मतलब वहाँ क्लीन रहता है, डेली स्वीपर अंकल आते हैं जो साफ़ सफ़ाई करते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये पूरा पीजी तीन फ्लोर का है मेरा, एंड तीनों ही फ्लोर पे स्टूडेंट्स रह रहे होते हैं। काफ़ी पीजी में ऐसा होता है कि ओनर भी साथ में होते हैं, बट मेरे पीजी में ऐसा नहीं है, हम सिर्फ स्टूडेंट्स रह रहे होते हैं एंड ओनर कभी कभी विज़िट कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे भी किचन दिया हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे, इंडक्शन रखा हुआ है, अगर हमें कुछ बनाना होता है मैगी वगैरह तो हम यहाँ से बना लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे सब इंडक्शन है, सेकेंड पे खाना आता है हमारा, खाना वहाँ लगता है, एंड टॉप फ्लोर पे कुक भैया खाना बनाते हैं। एंड यहाँ पे हमेशा ही कुक भैया होते हैं 24/7, कोई भी नीड है हम उनसे बोल देते हैं एंड वो हमेशा यहाँ पे होते हैं। फिर यहाँ पे फिर से कॉमन स्पेस है, ये फर्स्ट फ्लोर का दो रूम दिए हुए हैं जो कि डबल ऑक्यूपेंसी रूम है विद अटैच वॉशरूम। फिर से कॉमन स्पेस एंड कॉमन वॉशरूम, एंड यस यहाँ पे भी हेयर ड्रायर एंड आयरन रखा हुआ है। और ऑल्सो आई विल सजेस्ट कि तुम आयरन खुद से ले आना, घर से हर पीजी में अवेलेबल नहीं होता, तो आयरन करके तो जाना ही पड़ेगा कॉलेज, तो वो रख लेना, वो भी काफ़ी बेसिक नीड है तुम्हारी। देन ये पूरा फ्लोर हो गया। अब सबसे टॉप फ्लोर का किचन है जहाँ पे एक्चुअली में खाना बनता है, सबसे टॉप फ्लोर पे बना रहे होते हैं, कुक भैया हमेशा ही होते हैं यहाँ पे, तो वही कुक करता है। तो हाइजीन है एंड खाने की क्वालिटी भी अच्छी है, आप देख सकते हो, एंड खाना बहुत टेस्टी होता है, मुझे तो पसंद है। अब ये टॉप के फ्लोर के दो रूम्स खुले हुए थे तो मैंने वीडियो बना ली है, ये डबल ऑक्यूपेंसी रूम है विथ अटैच वॉशरूम, इसका प्राइस 15,000 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो डबल सीटर विथ कॉमन वॉशरूम, तो इसका प्राइस 14,000 था। तो आप देख सकते हो पीजी की रेंजेस आपको 11K टू 14,000, 13.5K भी पीजी हैं इसमें, 14K हैं, 15,000 के हैं, और आपको 16 प्लस 18,000 तक के भी रूम्स मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आपको सर्च करना है पीजी, ऑलमोस्ट यही रेंज पड़ रहा होगा। सो यस गाइस, दैट्स इट, ये पूरा मेरा रूम टूर था एंड पीजी टूर था। आई होप तुम्हें आइडिया लग गया होगा क्या चीज़ें चाहिए, कैसे रूम्स देखने हैं। ऑल्सो गाइस, ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न मैं तुम्हें अपने पीजी का लोकेशन नहीं बता सकती। अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए, जेन्युइनली हेल्प चाहिए, इफ़ यू आर अ गर्ल और तुम काफ़ी दूर से आ रहे हो, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, आईडी मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, anshika-jazz26। तो थोड़ी बहुत जो हेल्प होगी आई विल हेल्प यू आउट। एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माई चैनल, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।